ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 के इस भव्य आयोजन में उपस्थित देश के अलग अलग राज्यों, केंद्रीय पुलिस बलों के सभी प्रतिभागी खिलाड़ीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि अभी 2 वर्ष पहले ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स का एक आयोजन इसी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ था और इस बार ऑल इंडिया रेसलिंग क्लस्टर के इस भव्य आयोजन के साथ देश भर के पुलिस बलों के जवानों अधिकारियों को एक बार फिर से आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी में एकत्र होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आप सभी प्रतिभागी कर रही टीमें, उनके अधिकारियों का इस आयोजन में प्रतिभाग करने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे बताया गया है कि इस पूरे आयोजन में देश भर की केंद्रीय पुलिस बलों के और राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं और जिसमें 378 महिला कार्मिक इस आयोजन में प्रतिभाग करके इस आयोजन को और भी नई ऊंचाई की सफलता तक पहुंचाने में अपना योगदान दे रही हैं। हम सब जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत की परंपरा में खेल और खेलकूद की गतिविधियों को महत्व दिया गया है। भारतीय ऋषि इस बात का उद्घोष करता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी धर्म के जितने भी साधन हैं वह स्वस्थ शरीर से ही संभव है और स्वस्थ शरीर के लिए खेलकूद की गतिविधियां, योगासन, प्राणायाम, ये सभी क्रियाएं एक स्वस्थ शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और स्वस्थ शरीर ही एक समर्थ समाज का और एक सशक्त राष्ट्र की परिकल्पना को साकार भी कर सकता है। और इसीलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो अपने अनेक कार्यक्रम देश के विकसित भारत की संकल्पना के लिए प्रस्तुत किए थे, उनमें महत्वपूर्ण खेल और खेलकूद की गतिविधियों को लेकर के भी है। आपने इस बात को देखा होगा, खेलो इंडिया खेलों की प्रतियोगिताएं रही हो या फिट इंडिया मूवमेंट अथवा सांसद खेलकूद प्रतियोगिता, गांव से लेकर के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं बखूबी इस आयोजन के माध्यम से आज आयोजित हो रही हैं।
हर तबके का व्यक्ति इन आयोजनों के साथ जुड़ रहा है और वर्तमान में पेरिस में चल रहे पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को पूरा देश और पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पैरालंपिक के हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और अपने तेज का लोहा वहां मनाने का काम भी किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यह दृश्य हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण इसलिए भी प्रस्तुत करता है क्योंकि यह प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। देश भर के पुलिस बलों के जवान, केंद्रीय पुलिस बलों के जवान और उनके अधिकारी इस आयोजन में भागीदार बन रहे हैं। खेल हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाने, अपने कार्य के प्रति समर्पण के भाव के साथ तो जोड़ता ही है, साथ साथ जीवन में उतार चढ़ाव के हर एक मोड़ पर जीते तो अति प्रफुल्लित होकर के अन्यों के जीवन में बाधा पैदा करने की जो कुछ सी चेष्टाएं होती हैं उसको रोकने का एक सामर्थ्य देता है। तो अगर किन्हीं कारणों से सफलता नहीं प्राप्त हुई तो शालीनता के साथ उसको स्वीकार करने का भी एक सामर्थ्य हर एक खिलाड़ी के अंदर पैदा करता है। जीवन इसी से चलता है। बहुत बार पराजय भी हमारी उससे बड़ी जीत के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। और आज जब यहां पे ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग 2024 के इस आयोजन का उद्घाटन हो रहा है, मैं इस अवसर पर देश भर से आए हुए पुलिस कार्मिकों का यही आह्वान करूंगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा हो या विभिन्न प्रदेशों में कानून व्यवस्था या सुरक्षा का बेहतरीन माहौल बनाने का, पुलिस अपने इन गुरुत्वर दायित्वों का निर्वहन पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करती है। लेकिन इस सब के बावजूद अन्य ऐसी गतिविधियां जो समाज को जोड़ती हो, एक दूसरे के मन में विश्वास पैदा करती हो, उन आयोजनों के साथ जुड़ना उतना ही रचनात्मक है। और इसीलिए केवल पुलिसिंग ही नहीं बल्कि हमें अन्य रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ भी जुड़ना होगा। इस विश्वास के साथ ही उत्तर प्रदेश ने खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में व्यापक कार्य योजना को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने खेल नीति भी बनाई, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, विश्व चैंपियनशिप में जो खिलाड़ी मेडल प्राप्त करते हैं उन खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाने की कार्रवाई। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ऐसे अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस बल में भर्ती करने की कार्रवाई के साथ जोड़ा है, उन्हें सीधे भर्ती के साथ जोड़ा है। उनके बेहतरीन प्रदर्शन आज उत्तर प्रदेश पुलिस बल को एक नई गति देने में योगदान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए 57,000 ग्राम पंचायतों में खेल का मैदान, 825 विकास खंडों में मिनी स्टेडियम और 75 जनपदों में स्टेडियम निर्माण के कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने वाला राज्य है। और आज जब यह खेलकूद के कार्यक्रम यहां पर प्रारंभ हो रहे हैं, स्वाभाविक रूप से रेसलिंग के क्षेत्र में अनेक देश भर से आए हुए आप सभी पुलिसजनों के द्वारा अपने अपने प्रदर्शन को यहां पे देश भर के आए हुए जवानों के सामने प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है
कि पूरा देश आज यहां पर आकर के ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 में प्रतिभाग करके उत्तर प्रदेश को इस आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं इसके लिए डीजी एसएसबी और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि नाम भले ही अलग अलग हो सकते हो, कार्य हम सबका एक है, मिशन एक है और वह है कि भारत की सुरक्षा हम सब के लिए सर्वोच्च मायने रखती है। एसएसबी भारत नेपाल सीमा हो या भारत भूटान सीमा, वहां पर इन देशों के साथ भारत के सामाजिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंधों को कोई आंच आए बगैर इन सुरक्षा इन सीमाओं की सुरक्षा के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 550 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसएसबी के साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग में भाग लेती है, एक साथ मिलकर के राष्ट्रीय सुरक्षा का गुरुत्वदायित्व हम एक साथ निभाएंगे, सीमावर्ती क्षेत्र के आम जन का विश्वास भी अर्जित करेंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ कहीं कोई खनोच भी नहीं आने देंगे। इस विश्वास के साथ बेहतरीन तालमेल के माध्यम से एक कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं तो अनेक रचनात्मक गतिविधियों को भी वहां पर उस क्षेत्र के वासियों के लिए एसएसबी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आज के इस अवसर पर जब एसएसबी के द्वारा ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया है, इस पूरे आयोजन में प्रतिभाग करने वाली सभी टीमों का, जो भी अधिकारीगण उस टीम का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश में उपस्थित हुए हैं, उन सब का मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 4-5 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन के माध्यम से न केवल पुलिस के अन्य जवानों को बल्कि अन्य युवाओं को भी इस प्रकार के आयोजन के साथ जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा, एक नई प्रेरणा प्राप्त होगी। इस पूरे आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। यहाँ पर आपको बता दें कि 73वां भारतीय पुलिस रेसलिंग क्लस्टर 2024 का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसके उद्घाटन में वो पहुंचे। और